हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और 2:56 हो चुकी है, मुझे 3 बजे से स्टडी स्टार्ट करनी है, तो मैं 4 मिनट पहले ही उठ गया हूँ। हालांकि 2:55 पर मैं उठ गया था, तो 1 मिनट और फालतू हो चुकी है। तो अब सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्या पढ़ना है। तो इंडियन पॉलिटी में लेता हूँ सबसे पहले, तो इसमें मुझे पढ़ना है पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़नी है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी 23 चैप्टर है और इस चैप्टर को कम्प्लीट करूँगा। तो अलार्म भी बज चुका है मेरा 3 बजे का, तो चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ अपनी स्टडी को। और टाइम हो चुका है काफ़ी, तो 1 घंटा करीब लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। और चैप्टर कंप्लीट होते ही फिर मुझे इसको बंद करके फिर मुझे इकोनॉमी पढ़नी है, तो एनसीईआरटी की इकोनॉमी मुझे पढ़नी पड़ेगी वो। तो उसके लिए फिर इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको आगे मिलता हूँ। तो देखिए, ये कंप्लीट हो चुका है मेरा, लास्ट में पहुँच चुका हूँ बिल्कुल। अब ये कंप्लीट हो गया, करीब 1 घंटे से ज़्यादा लग गया था इसको कंप्लीट करने में, और टाइम फिर काफ़ी हो चुका है। एक बार टाइम देखते हैं टाइम कितना हो चुका है। टाइम 4:17 हो चुकी है, जब मैंने 3 बजे करेक्ट स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हाँ हो गया है टाइम। लेकिन बाहर देखते तो बाहर अभी भी बहुत अंधेरा है, लेकिन 1 घंटा मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, काफ़ी जगे हुए। लेकिन अभी देखें टाइम तो अभी हो गया है 4:35, थोड़ा सा रेस्ट किया था मैंने। इसके बाद अब मैं इकोनॉमी स्टार्ट करता हूँ, इकोनॉमी मुझे पढ़नी है। तो इकोनॉमी में कई चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है इसी को पढ़ूंगा मैं सबसे पहले। फर्स्ट चैप्टर है इसी को पढ़ लेता हूँ, डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट चैप्टर है ये, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर है, इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो इसको पहले एक बार कवर कर लेता हूँ, जिससे कहीं ना कहीं एक मतलब बोल सकते हैं एनसीईआरटी ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो एनसीईआरटी मेरी कंप्लीट हो गई, इकोनॉमी रह गई थी बस। तो अभी टाइम हो चुका है 5:36 और मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल। तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है और 5:36, तो सभी बाहर जाके देखते हैं। तो बाहर बिल्कुल हो गया है, बिल्कुल रोशनी हो गई है बिल्कुल। देखिए कबूतर बैठे हुए हैं तो अच्छा लगता है। बाकी चलिए ब्रश करने जाता हूँ, तो मैंने टूथपेस्ट ले लिया है और लगाने के बाद मैं जा रहा हूँ, तो ब्रश करूँगा। सबसे पहले पानी डालता हूँ इसका और इसके बाद फिर ब्रश करता हूँ। तो आप सभी को दिखाई दे रहा है, जैसे कि ब्रश करने के बाद फिर मैं जाऊँगा फ्रेशअप होने। तो उसके बाद फिर मुझे और भी काम करने हैं, तो मुझे पहले हवन वगैरह करके उसके बाद फिर आपको मिलता हूँ बिल्कुल तैयार होकर। तो देखिए 7 बज चुके हैं, मैंने अपना जितना भी काम था सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। देन अब मैं पढ़ूंगा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर की वीडियो आज की वो शाम को ही आ जाती है दीपक यादव एजुकेशन पर। तो ये पूरी वीडियो जो है 50 मिनट की करीब होगी, तो तकरीबन 50 मिनट की है, 50 मिनट 37 सेकंड हो गए। तो इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। इसको कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं लाइब्रेरी जाऊँगा, तो उससे पहले मुझे खाना बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको करंट अफेयर, क्योंकि सुबह सुबह करंट अफेयर पढ़ता हूँ मैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ। तो न्यूज़पेपर आज मैं हार्ड कॉपी में पढ़ूंगा, और क्योंकि आज ऑनलाइन नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि वाईफाई में दिक्कत हो गई है मेरी। तो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट ज़रूरी है। और इसके बाद लंच के लिए भी तैयार कर लेता हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी जाऊँगा तो वहाँ पर लंच की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है कि खाना नहीं खाएंगे तो वहाँ पर लंच खाने जाऊँगा मैं, तो इस वजह से मुझे पहले से बना के रखना पड़ेगा। तो पराठे बना लेता हूँ और बाकी छोले में वहीं पर ले लेता हूँ, जैसा कि आप सभी ने पहले वाली वीडियो में जैसे देखा होगा। तो अभी मैं अकेला ही हूँ अपने घर पर, इसलिए मैं खुद ही बनाता हूँ सब कुछ। ठीक है, तो चलिए फिर चलता हूँ और लाइब्रेरी पहुँचता हूँ। लाइब्रेरी पहुँच गया हूँ मैं दोस्तों। तो लाइब्रेरी पहुँचने के बाद में मुझे सबसे पहले तो बैग रखना है अपना, जाकर कहीं देखता हूँ कौन सी खाली मिलती है। तो ये खाली मिल चुकी है, मैंने अपना बैग रख दिया यहाँ पर। और बैग रखने के बाद मुझे सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। इसको हार्ड कॉपी में पढ़ रहा हूँ आज, मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ा है, क्योंकि ऑनलाइन मैं आज नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरा वाईफाई जो ख़राब हो गया था इस वजह से। तो इसको कंप्लीट करने के बाद मुझे जी सी लियोंग पढ़नी है। तो जी सी लियोंग ये ज्योग्राफी की बुक है, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ एक बार। इसको भी तीसरा चैप्टर है इसका, तो वो भी कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आपको मिलता हूँ और फिर पढ़ूंगा मैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं मुझे, और 1 चैप्टर मैंने पहले कंप्लीट कर दिया था, यानी कि 3 चैप्टर। तो ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट करना है, 24, 25 और 23, तीनों चैप्टर मैं आज कंप्लीट करूँगा, क्योंकि मैंने 23 तो पहले ही कंप्लीट कर दिया है और 24 ये कर रहा हूँ मैं अभी, और इसके बाद फिर 25 भी करना है मुझे। तो ये 24 जो मेरा कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि मेरा 24 जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 25 है पार्लियामेंट्री ग्रुप, तो इसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे नोट्स बनाने, तो थोड़े से नोट्स मैंने लिखे थे कुछ इसमें पार्लियामेंट्री कमेटी में से, तो इसमें कुछ कुछ लिखा है, दिखाऊँगा आपको बाद में। तो देखिए एक बार अच्छे से कुछ लिखे हैं मैंने, तो आप सभी एक बार देखिए ये कुछ लिखे हैं मैंने। ठीक है, ये मतलब कमेटी है, तो इसको मैं लिखने के बाद में फिर मैं थोड़ा थक गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह 3 बजे से लेकर के और अब तक मैंने कोई रेस्ट नहीं किया है बिल्कुल भी। तो इस वजह से अब मुझे रेस्ट करना था, तो रेस्ट करने के लिए मैं लग गया। तो 1 घंटे बाद फिर मैं आता हूँ, और इसके बाद फिर 1 घंटे बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस जो है ये मैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ, तो बीए की मेरी क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, तो आज इसको भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसको इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहा हूँ आज मैं। ठीक है, अब मेरा टाइम हो चुका है, शाम हो गई है, तो शाम को फिर मैं अपना लेकर के घर आ गया। घर पर मैंने
डिनर किया, तो डिनर में मेरा आज सब्जी है और रोटी और ये ठीक है सलाद है। इसके बाद फिर डिनर करने के बाद मुझे ग्रामर पढ़नी होती है, तो ग्रामर की ये वीडियो है और इसमें तीन आज लेक्चर देखने हैं। तीनों लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं मिलता हूँ आपसे, ठीक है। तीनों लेक्चर जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर सोने जाऊँगा। तो टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं, 10 बज के 11 मिनट हो चुकी हैं और इसके बाद मेरा टाइम हो चुका है, क्योंकि 3 बजे उठा था, 3 बजे से अब तक मैं थोड़ा भी आराम ढंग से नहीं कर पाया मैंने, तो 10 बज के 11 मिनट हो चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करना। जय हिंद, जय भारत।